वहीं देखिए भोपाल से अब खबर विधानसभा उपचुनावों को लेकर अब कांग्रेस भी रणनीति बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस की बड़ी बैठक है, थोड़ी देर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर बैठक होगी। बैठक में विधायकों पूर्व मंत्रियों को बुलाया गया है, राज्यसभा चुनावों की भी इसमें समीक्षा की जाएगी। तो विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक, थोड़ी देर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर यह बैठक होगी। बैठक में विधायकों पूर्व मंत्रियों को बुलाया गया है। कोमल हमारे साथ संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुकी हैं अधिक जानकारी के लिए। कोमल, जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों के रिजल्ट्स का इंतजार है, लेकिन अब पूरी नजर देखिए विधानसभा उपचुनावों में है। दोनों ही दल अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की करें तो अभी क्या कुछ वहां पे देखने को मिल रहा है? एक बैठक बताई जा रही है अब से कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर। देखिए बिल्कुल करिश्मा, कांग्रेस के लिए जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है ये एक बड़ी चुनौती है और जीतना बेहद जरूरी भी, और इसीलिए कांग्रेस लगातार इसको लेकर स्ट्रैटेजी बना रही है। अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर रोजाना बैठकें हो रही हैं, जिसमें वो सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज ये जो बैठक है, राज्यसभा चुनाव खत्म होते ही ये एक अहम बैठक जो है वो कमलनाथ के निवास पर बुलाई गई है, चूंकि सभी जो विधायक हैं वो राज्यसभा चुनाव के लिए भोपाल पहुंचे हुए हैं और बार बार सभी विधायकों का आ पाना मुश्किल है, और इसीलिए चूंकि मध्य प्रदेश प्रभारी जो है कांग्रेस के मुकुल वासनिक वो भोपाल में हैं और कमलनाथ खुद यहां पर हैं, तो अब दोनों मिलकर सभी वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ बैठक ले रहे हैं उपचुनाव की, और सभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, क्या मिशन लेकर, क्या मिशन होगा और किस उसको लेकर जाएंगे, आप देख सकते हैं कि लगातार जो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और कोशिश यही है कि 15 महीने जो कांग्रेस ने काम को जनता तक पहुंचाया जा सके, और इसीलिए आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जो हैं वो यहां पर पहुंची हुई हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, राज्यसभा चुनाव खत्म, अब उपचुनाव जो है एक बड़ी चुनौती है, बैठक एक अहम बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में? बिल्कुल यही चीज़ें होने वाली है कि 24 सीट पे जो चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस का हर वो व्यक्ति चाहे जिस पद पे बैठा हो अपना बिल्कुल जान लगा के ये सीट को जीतना बहुत ही अनिवार्य है। कितनी सीटों को जीतने का लक्ष्य है और क्या कुछ मिशन लेकर जाएंगे, क्या कुछ एजेंडा होगा? हमारे तो लक्ष्य यही रहेगा कि 24 की 24 सीटें हम लोग जीते। एजेंडा क्या होगा, जनता के बीच क्या? जनता जानती है कि जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या इस प्रदेश के अंदर हुई है, लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया गया है, मध्य प्रदेश की राजनीति एक मिसाल थी पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश में ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो गई और इस तरह की सरकार, जो मतदाता ने जो मैंडेट दिया था, जो कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस की सरकार बनाई थी, उसको सौदा करके सौदागरों ने उसको गिराया, जो अन्य प्रदेशों में होता था वो मध्य प्रदेश में भी किया, इसको सारी जनता जानती। बिल्कुल, तो जो लक्ष्य है पूरी सीटें जीतने का, उसको लेकर यहाँ पर कमलनाथ और मुकुल वासनिक जो हैं वो अपने विधायकों को मंत्र देंगे, एजेंडा बताया जाएगा कि जो 15 महीने में सरकार ने काम किया है, उसके अलावा जो बगावत की है बागी विधायकों ने, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, उससे भी लोगों को अवगत कराया जाएगा, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जनता ऐसे बागियों को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी, और इसीलिए ये बैठक बेहद अहम हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या मंत्र देकर मुकुल वासनिक अपने विधायकों को रवाना करते हैं, और कमलनाथ के निवास पर ये जो बैठक है कितनी अहम और किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई जाती है। चलिए कोमल, नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो थोड़ी देर में कमलनाथ के बंगले पर ये बैठक है और लगातार हमारी इस पर नजर बनी होगी।